हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसुर एंड लेट्स कंटिन्यू क्लास 11th एनिमल किंगडम। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इन गैंथोस्टोमेटा, इट मींस व्हिच आर बियरिंग जार्स। ओके, एंड पाइसिस व्हिच कंटेन्स मेनली फिशेस व्हिच हैविंग द फिन्स। ओके, सो द फर्स्ट क्लास इज कॉन्ट्रोसिस, इट्स मींस देयर कार्टिलेज इज कंसिस्ट ऑफ देयर बोनी स्केलेटन Their skeleton is consist of vertebral column is consist of cartilage. Okay, so these fishes are marine in habitat. Okay, they having streamlined body. So generally, बचपन से हम देखते आ रहे हैं फिश की जो बॉडी होती है वो streamlined होती है, ठीक है, इस तरीके की कुछ बॉडी होती है, आपने सब मैंने देखा है। Okay, streamlined body होती है, तो देखिए इसमें यह main चीज है, उसके अलावा fins होते हैं body पे, fins भी हमने देखे हैं, फिन्स होते हैं, इसके अलावा इसकी बॉडी पे स्केल्स भी होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? तो देखिए इसमें यही है कि जो फिशेस होते हैं मैरीन है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, इट मींस दे हैविंग दिस टाइप ऑफ सेल कि वो इजीली ताकि वाटर को पेनिट्रेट कर सके। कार्टिलेजनियस होता है इनका वर्टिब्रल कॉलम जो कंसिस्ट होता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ओके, इट मींस जो लोअर साइड है दैट इज प्रेजेंट देयर। उसके बाद प्लैकोइड स्केल्स होते हैं। देखिए ये स्केल्स काफी टफ होते हैं, काफी हार्ड होते हैं, तो प्लैकोइड स्केल्स होते हैं इस टाइप के, काफी हार्ड स्केल्स होते हैं इसमें, और इन्हीं प्लैकोइड स्केल के मॉडिफिकेशन से इनका जॉ या टीथ की फॉर्मेशन होती है, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इनमें थ्रू आउट द लाइफ। ओके, पूरी लाइफ में इनमें नोटोकॉर्ड यानी रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम मीन्स कवरिंग, यानी जो भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, तो उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, विदाउट ओपरकुलम, विदाउट कवरिंग होती है वो, स्ट्रॉन्ग जॉज। तो मैंने पहले ही बताया कि भाई जो लीफ है मॉडिफिकेशन है वो प्लैकोइड स्केल्स का, और प्लैकोइड स्केल्स काफी हार्ड काफी टफ होते हैं, तो इनका जो जॉ होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रीडेसेसियस। ओके, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों से अपना फूड लेते हैं। दे स्विम कॉन्स्टेंटली, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, जिससे कि उनको कंटिन्यूअसली स्विमिंग करनी पड़ती है। ओके, अगर वो स्विमिंग करना भूल गए तो वो क्या होंगे, सिंक हो जाएंगे बॉटम में। तो सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए, यानी वो सिंक ना हो, डूबे नहीं पानी में, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली स्विमिंग, कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करनी पड़ती है। हार्ट टू चैम्बर है, यानी वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ओके, तो हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर होता है। हार्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, इनको पोइकिलोथर्मस भी कह सकते हैं, पोइकिलोथर्मस या पोइकिलोथर्मल। इट मीन्स दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा जो सर्दियां हैं उसमें फिशेस बिल्कुल डीप बॉटम में चली जाती हैं, टेम्परेचर को टेम्परेचर जो डिक्रीज हो जाता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो पोइकिलोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट है। मेल पैल्विक फिन बियर क्लास्पर, यानी जो मेल का पैल्विक फिन है वो क्लास्पर का काम करता है। ओके, यानी फर्टिलाइजेशन में वर्क करता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। वीवी पैरस, यानी यहाँ पे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। वीवी पैरस यानी दे आर लेइंग, दे आर गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, एग्स रिलीज नहीं करते बल्कि छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, एग्जाम्पल है स्कोलिडोन। देखिए इसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कुछ स्पेशल और उनके ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे टोरपीडो में इलेक्ट्रिक रे नाम है इसका, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक है। टेरिगोन है, इसमें स्टिंग रे इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या है, पॉइजन स्टिंग होती है, अंडरस्टैंड। तो ये भी ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रोसिस में जो मेनली ध्यान करने की चीज है, तो इसके जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। प्लैकोइड स्केल्स होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं, और इसी का मॉडिफिकेशन होते हैं टीथ। ओके, टीथ भी काफी हार्ड होते हैं इसमें।